हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक तपोवन गुरु स्कूल। माई सेल्फ रिंकल सोंडागर। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन से क्वेश्चन वर्ड्स है। व्हाट, हू, विच, हू, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। सो हम आज आगे का देखेंगे, जो हमारा बाकी का चैप्टर था। यहाँ से नॉट फॉलोइंग यूजेस ऑल्सो। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो। हाउ टॉल इज राधा, राधा कितनी लंबी है। हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर, वहाँ कितनी लड़कियाँ हैं। हाउ मच मिल्क डू यू बाय, तुमने कितना मिल्क खरीदा है। हाउ लॉन्ग विल ही स्टे हीयर, वो कितनी देर तक यहाँ रुकेगा। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, तुम दिन में कितनी बार चाय पीते हो। तो ये क्या है, यूजेस ऑफ हाउ। क्या है, यूजेस ऑफ हाउ। जब भी हमें किसी को क्वेश्चन करना है तो हमें क्या लेंगे, हाउ। नेक्स्ट क्या है, We use question word to get some information. There are no, yes, no answer. जब भी हम किसी को question करेंगे तब उसका answer कुछ information में होना चाहिए, ना कि yes और no में। जैसे कि what is your name, आपका नाम क्या है, तो answer में क्या होगा, mini। ये क्या है, answer है हमारा। हमें इसके answer yes और no में नहीं देने हैं, ठीक है। How old are you? तुम कितने साल की हो, तो I am 10। आंसर क्या आया, I am 10। Whose doll is this? ये किसकी डॉल है, तो क्या आएगा, It's my, ये मेरी है। फोर्थ क्या है, Who got it for you? ये आपके लिए कौन लाया है, तो क्या कहती है, My dad। उसी तरह क्या है, Not not the uses of question words in the sentences। हमें यहाँ पर sentence में question words का use करना है, ठीक है, ध्यान दे। Who is that girl? वो लड़की कौन है, तो क्या आया, who। ये क्या है हमारा question, इसलिए हमें क्या लगाया, who। How old is she? वो कितने साल की है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाया। How, ये क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड्स है, प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद क्या है, What is her name? उसका नाम क्या है। What क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड्स। Whose daughter is she? क्या है, वो किसकी बेटी है। तो whose क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ पर रहती है। वेयर क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। हाउ फार इज हर विलेज, उसका घर कितनी दूर है, कितना दूर है। वेन डिड शी कम हीयर, वो कब यहाँ पर आएगी। वेन क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। हाउ डिड शी कम, वो कब आएगी। Why is she standing there? वो वहाँ पर क्यों खड़ी है, क्यों, क्यों का मतलब why, why is हमारा क्वेश्चन वर्ड है। Which doll does she like, उसे क्या है, Which doll does she like, उसे किस गुड़िया बहुत पसंद है, कैसी गुड़िया पसंद है। How much money does she have, उसके पास कितना पैसा है। हाउ मैनी डॉल्स आर देर इन द वीडियो, सॉरी विंडो। हाउ मैनी डॉल्स आर देर इन द विंडोज, तो विंडोज में कितनी गुड़िया है, तो क्या है, हाउ मैनी क्या है, हाउ ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है।
और सभी क्वेश्चन में हम उसके लास्ट एंड में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसको ध्यान देना और हमें इसे अच्छे से लर्न करना है। हम इसे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। वी यूज क्वेश्चन वर्ड टू गेट सम इंफॉर्मेशन, देर आर नो यस नो आंसर। क्या कहा गया है, हमें जब भी कोई हम सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं तब हमें कुछ इंफॉर्मेशन में आंसर देना है, ना कि यस और नो में। तो क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आंसर क्या है क्या, मिनी। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो क्या है कहा गया, आई एम अ 10, मैं 10 साल के हूँ। हुज डॉल इज दिस, ये किसकी डॉल है, तो क्या है, इट्स माई, ये मेरी है। Who got it for you, ये आपके लिए कौन लाया है, तो क्या है क्या, माय डैड। नॉट द यूजेस ऑफ क्वेश्चन इन दिस सेंटेंसेस, ध्यान दे द क्वेश्चन वर्ड्स में हमें क्या यूज करना है। Who is that girl, वो लड़की कौन है। How old is she, वो कितने साल की है, उसके बाद क्या आएगा, सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस की बिगिनिंग में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, क्या आएंगे, क्वेश्चन वर्ड्स। What is her name, उसका नाम क्या है। Whose daughter is she, वो किसकी बेटी है। Where does she live, वो कहाँ पर रहती है। How far is her village, उसका घर कितने दूर है। When did she come here, वो कब यहाँ पर आएगी। How did she come, वो कब आएगी। Why is she standing there, वो वहाँ पर क्यों खड़ी है। Which doll does she like, उसे कैसी गुड़िया पसंद है। How much money does she have, उसके पास कितने पैसे है। How many dolls are there in the windows, विंडोज में कितनी गुड़ियाज है। So हमारा ये चैप्टर क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।